कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार गैंगस्टर विकास दुबे तो हाथ नहीं आया, लेकिन उसको लेकर खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। इसी बीच 2017 का एसटीएफ जांच का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में विकास दुबे दो बीजेपी विधायकों भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह संगा के नाम ले रहा है। दरअसल जिला पंचायत चुनाव के दौरान विकास दुबे पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा था। उसके खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप था। इस मामले में एसटीएफ ने उससे पूछताछ की, तो वहीं यूपी पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि विकास दुबे चंबल इलाके में छुप सकता है। यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार चंबल जोन के अधिकारियों से संपर्क में हैं। चंबल इलाके के जिलों में पुलिस भी सघन जांच अभियान चला रही है, क्योंकि चंबल के जिले यूपी और राजस्थान के बॉर्डर से लगते हैं। तो वहीं कानपुर मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ आरोपी विकास दुबे की इनाम राशि जो थी उसे बढ़ा दिया गया है। अब 1 लाख से बढ़ाकर इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। थाना चौबेपुर गांव बिकरू में 8 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की हत्या हुई है और उनके असला छीना गया है। इस प्रकरण में जो संदिग्धता प्रतीत होने के कारण जो इनके रवैया और इनका जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट के प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर जेके शर्मा एवं कांस्टेबल राजीव। और गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल दूर है, लेकिन रोजाना परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जो विकास दुबे है वो चंबल में जाकर छिप सकता है, और चंबल में जो तलाशी अभियान है उसे तेज कर दिया गया है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया, 2017 का ये वीडियो है एसटीएफ की जांच का, जिसमें विकास दुबे जिक्र करता नजर आ रहा है दो बीजेपी विधायकों का। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है, लेकिन जो शिकंजा है पुलिस का वो पूरी तरीके से कसता जा रहा है, और इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। 1 लाख रुपए जो इसकी इनामी राशि थी पहले, उसे 2.5 लाख रुपए अब कर दिया गया है। बीहड़ के जो इलाके हैं वहां पर पुलिस ने अपनी गश्त को तेज कर दिया है और पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है इस गैंगस्टर को पकड़ने की। इस पर इतना संगीन जो जिस प्रकार का इंतजाम है, 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या, पुलिसकर्मियों की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है, जिस प्रकार से उन पुलिसकर्मियों की निर्ममता से हत्या की गई। पुलिस की गिरफ्त से अभी हालांकि दूर है ये गैंगस्टर विकास दुबे, लेकिन शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच 2017 का एसटीएफ जांच का एक वीडियो भी सामने आया, दो बीजेपी विधायकों के नाम इसमें इस गैंगस्टर विकास दुबे ने लिए हैं। और चंबल के जिलों में हाई अलर्ट हो गया है वह गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर। बिहार के इलाकों में पुलिस ने तेज कर दी है अपनी गश्त। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, लगातार जो गैंगस्टर है विकास दुबे, इसे पकड़ने के लिए पुलिस अपना शिकंजा बढ़ा करती जा रही है, और चंबल के इलाकों में अब बिहड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जब से ये घटना हुई है, आज चौथा दिन है इस घटना को जी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अपनी गुत्थियों में उलझती जा रही है, और जब अंदर ही अंदर जब परत को कुरेदा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो बात सामने आ रही है ये हो रही है कि अपना ही घर का भेदी है जी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एक बड़ा खुलासा है वो ये है कि चौबेपुर थाना कहने के लिए तो एक पूरा शहर कानपुर है, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में कानपुर आता है, लेकिन एक छोटा सा थाना चौबेपुर में कोई भी थाना अध्यक्ष कमान संभालने के लिए तैयार नहीं होता जी। ये जो थानेदार सस्पेंड हुए हैं, इनके ऊपर जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है कि इन्होंने ये घटना के दिन संदिग्ध पाए गए, इनके नंबर पाए गए, लेकिन इनके ऊपर जो आला अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं इनके कंधे पे बंदूक रखकर खुद बचते नजर आ रहे हैं जी। इनके पीछे इससे पहले जो एसएसपी कानपुर थे अनंत देव जी, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, कई एनकाउंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये जो मेन एनकाउंटर होना चाहिए था ये क्यों बचा जी। सीओ साहब एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो ये भी बोलते हैं
कि इस तरह की घटनाएं कभी भी ये व्यक्ति कर सकता है। और उन्होंने अंदेशा सीओ साहब ने पहले ही जता दिया, जैसा कि आज हमने देखा सीओ साहब की बेटी ने भी बोला कि पिताजी ने पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी, तो उस चिट्ठी पर कार्रवाई क्यों? अभी तक इस पूरी घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबी दी जा रही, कभी चंबल में, कभी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, कभी गोरखपुर में दबी दी जा रही कि नेपाल भाग सकता है। आप एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक पूरी टीम बना रहे हैं, पूरी कमान आपने हर चीज में उत्तर प्रदेश की दे रखी है सीएम को, अब उसके बारे में कुछ निकालना है पुरानी गुत्थी वो भी एसटीएफ निकाले, अपराधी को पकड़ना है भी एसटीएफ पकड़े। अरे भैया, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन किस लिए बैठा हुआ है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो बात आ रही है। अब दूसरी बात, डीजीपी को मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में ये कहा कि बगैर अपराधी को पकड़े, विकास दुबे को बगैर पकड़े आपको लखनऊ नहीं लौटना है। वो चार दिनों पर वो कार्रवाई कहां गई? सीओ साहब जिस दिन दबिश देने जा रहे थे, अंदर कई अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पीएसी की मांग की थी, तो उनसे कहा क्या डरते हो क्या? तो मतलब अगर आपका एक अधिकारी दबिश देने इतने बड़े अपराधी को जा रहा है और पीएसी मांगता है, रात में 1 बजे का समय, आप उसको पीएसी नहीं देते हो, साथ में जिस थाने को थानेदार को आप लेके गए हैं, जो सहयोगी थानों से आप अपने लोगों को लेके गए, उनको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको आपने इतने बड़े अपराधी के बारे में नहीं बताया। आज चौथा दिन है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। 50,000 का आपने उसके ऊपर इनाम रखा पहले दिन, आज वो इनाम बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो गया जी। अमरीश, मैं आपकी जगह बीच में आपको रोकना चाहूंगी, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। जिस प्रकार से 2017 का जो एसटीएफ की जांच का वीडियो सामने आया, अपने राजनीतिक जो धौंस है उसको दिखाता हुआ ये गैंगस्टर इसमें नजर आ रहा है, जिस प्रकार से कह रहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो हमेशा से राजनीतिक रहा है, और साथ ही में इतना ज्यादा अपने पक्ष को रखता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह सामने आई पुलिसकर्मियों की, और उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं अमरीश। जिस निर्ममता से उनकी हत्या की गई, पैर काट दिए गए कुल्हाड़ी से, उसके बाद सर में डायरेक्ट उनकी गोली मारी गई, तो कहीं से भी इस व्यक्ति को समाज में खुला छोड़ना तो अब जायज नहीं रहेगा। एक तरीके से नरभक्षी हो चुका है ये व्यक्ति। जयती, जिस दिन घटना हुई है उसके अगले दिन भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये सीओ साहब सिपाही से प्रमोट होकर सीओ तक की कुर्सी पर पहुंचे थे, बहुत मेहनती अधिकारी थे जी। एक सिपाही सीओ किस तरह बनता है ये हम भी समझ सकते हैं कि उनकी दिन रात की लगन रही होगी। बिल्कुल, 11 महीने उस उच्च अधिकारी को रिटायरमेंट के लिए बाकी थे और इस तरह से बेरहमी से घटना हुई। 1998 में यही वो अधिकारी थे जब चौबेपुर थाने में सिपाही हुआ करते थे और उनकी इस कुख्यात बदमाश विकास दुबे से हाथापाई और नोकझोंक हो चुकी थी। ये 1998 की दुश्मनी थी जो निकल कर आ रही थी, और 22 साल पुरानी ये दुश्मनी आखिरकार एक इतनी जगह पर उस अपराधी को तैयार किया कि कहीं ना कहीं कितनी खुन्नस रही होगी इस अपराधी के मन में जो मिश्रा जी को लेकर कि उनका पैर काट दिया गया, उनके सर में 8 गोली मारी गई है जी। और कहा जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मियों की लाश को घसीट कर चौराहे तक ले जा रहे थे बदमाश, अगर पुलिस और जो दूसरी बटालियन थी अगर समय पर नहीं पहुंचती तो शायद लाशों को वहीं पे जिंदा वहीं पे जला दिया गया होता जी। अमरीश, कहीं ना कहीं बहुत ही निर्मम ये पूरा वाकया रहा, जिस प्रकार से समाज कंटक ही ने कहा जा सकता है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं होगी। देखना यह है कि 4 दिन अब बीत चुके हैं, पुलिस के जो लगातार परत दर परत ये शिकंजे खुलते जा रहे हैं, कहीं अपने में ही गुत्थी में ना उलझ के रह जाए, लेकिन जो अभी पुलिसकर्मी है उनके परिवार है और पूरे देश को इस वक्त न्याय चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।